Hello, students. Welcome to your English lecture. Today, we are going to study a poem, Indian Weavers. It is written by Sarojni Naidu. She is one of the most prominent personalities in our Indian freedom struggle. She was also the first woman governor of independent India. Okay, so she has written this poem about Indian weavers, comparing the kind of clothing that they make throughout the uh, different times of days. To the different stages of life that we lead. So we are born and then we have our adulthood and then we pass away finally. These three stages of life is compared or are compared with the three different kinds of clothing that these weavers make in throughout the day. Okay. So let's see how has she done this? And she has also in, incorporated different colours into different stages of life. Okay. तो so, जो इस पोएम में इंडियन वीवर्स के बारे में बताया गया है इनफैक्ट इंडियन वीवर्स से ज़्यादा वो जो कपड़े उस टाइम पे बनाते थे सो द रीज़न दैट इंडियन वीवर्स आर यू नो शी इज रिटन अ पोएम अबाउट इंडियन वीवर्स इज बिकॉज एट दैट टाइम ड्यूरिंग आर फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन ज्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन वीवर्स को बहुत मानते थे मतलब उनका जो क्वालिटी ऑफ क्लोदिंग जो बनाते थे वो लोग और जिस तरीके से कपड़े बनाते थे वो इतने मतलब इतना अच्छा होता था कि इट वॉज़ नो रनाउंड इन द वर्ल्ड इट वॉज़ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड वी यूज टू बी एक्सपोर्टिंग क्लोदिंग इमेजिन तो इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था पहले के टाइम पर तो उनकी जो ये का उनका जो ये काम है उसको कंपेयर किया गया है यू नो एंड उनके uh, काम से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ये पोएम लिखा है तो यहाँ पे जो है वो वीवर्स से पूछते हैं एक एक टाइम ऑफ डे में कि आपने यू you नो know, आप ये कपड़े ऐसे कलर के क्यों बना रहे हो तो यू you नो know, आप uh, ये टाइम पे ये कपड़े ऐसे क्यों बना रहे हो तो जो वीवर्स का जवाब आता है ना उनको उन्होंने कम्पेयर किया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से ठीक है तो लेट सी वॉट दिस पोएम इज़ अबाउट वी आई रीड एंड एक्सप्लेन Indian weavers, weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? So, what does the, these two lines mean? Weavers weaving at break of day. Break of day symbolizes morning. Okay. So ये जो weavers हैं वो सुबह सुबह उठकर you know अपने कपड़े जो हैं वो weave कर रहे हैं वो धागे को you know properly रख के जो weaving process हैं वो they have started doing that and she is asking सरोजनी नायडू मैम is asking The weavers, you know, uh, you know, why are you weaving such kind of, uh, you know, so cheerful garment, such a beautiful garment, in this in in this kind of in this morning, okay? So uh, blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So what has she written here? You know, um, the the weavers reply that you know blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. तो यहाँ पे जो है हेल्सीऑन वाइल्ड हेल्सीऑन इज़ अ बर्ड विच इज़ किंग फिशर ओके सो किंग फिशर इफ़ यू माई सीन इट इज़ वेरी ब्राइट ब्लू इन कलर इट इज़ वेरी रेडियंट इन कलर राइट तो उन्होंने वो व्यूवर से पूछा है कि एकदम ऐसे इतना जो ब्यूटिफुल जो ब्लू है इतना जो ब्राइट ब्लू है आप ऐसे कलर के कपड़े इतने सुबह सुबह क्यों बना रहे हो तो वो कह रहे हैं उन्होंने जवाब ये दिया कि हम ये जो कलर हम ये जो कपड़े बना रहे हैं वो एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं Okay. So she has compared that color blue, okay, to the you know the birth of a child. Basically, not birth of a child, uh, the uh, the first stage of our life, basically our childhood. Okay, so if you see, blue color symbolizes vibrance. It is it is very vibrant. It is very bright. ओके okay? सो so, अगर हम अपने चाइल्डहुड को इससे कंपेयर करें तो चाइल्डहुड में बचपन में किसी को कोई गम नहीं होता मतलब नो बडी सैड अबाउट दियर चाइल्ड हुड नो बडी नो दैट दैट एज हैज नो सोरो राइट सो चाइल्डहुड सो ब्लू कलर सिम्बलाइजेज ऑल दैट इट सिम्बलाइजेज हैप्पीनेस इट सिम्बलाइजेज एनर्जी इट सिम्बलाइज होप राइट तो वो जो वीवर्स है एंड ऑल्सो दे आर वीविंग दिस काइंड ऑफ फ्लो दैट वॉट टाइम ऑफ डे वो लोग सुबह सुबह बना रहे हैं राइट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग राइट तो उनको भी उन्होंने कंपेयर किया है उस टाइमलाइन से कि सुबह सुबह द फर्स्ट थिंग दे मेक इज दू नो क्लॉथ ऑफ अ बेबी विच इज़ ब्लू एंड ब्राइट इन कलर ओके आई होप यूल अंडरस्टैंड द फर्स्ट आंसर। हियर शी हैज कंपेयर्ड, हियर द शी हैज कंपेयर्ड द कलर ब्लू विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ विच इज चाइल्ड हुड आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न ओके एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे इज़ बींग यूज हियर Right now we are talking about morning, early morning. So that is also, That also symbolizes life, right? The first stage of life, the first stage of day, which is morning. Okay. Second stanza goes like this: We was weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? So now, what is the second stage of life? It is adulthood, right? You come into you enter a stage where you have a lot of um, uh, what do you say? A lot of responsibilities and a lot of activities that you are involved in. इट इज़ सो ह्योर शी इज़ आस्किंग वाई यू वीविंग अ गार्मेंट सो ब्राइट इतनी इतना जो ब्राइट सा तुमने ये जो गार्मेंट जो है आप लोग ये क्यों बना रहे हो और वो भी कब जब यू नो दिन निकल चुका है ऑलमोस्ट शाम आ चुकी है शाम के आगे ये नो ऑलमोस्ट रात अभी आने होने वाली है राइट तो आप ऐसे टाइम पर इतना ब्राइट सा यू नो क्लोथ क्लॉथ क्यों बना रहे हो लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पी कॉक पर्पल एंड ग्रीन द ह्योर शी इज यूज शी इज़ कम्पेय लाइक क्लोदिंग

so it is like multicolored right? it's not constant it is not only happiness like we had in our childhood it is like it is what i mean what sorrow would you have in childhood it is in a pencil lily it is a rubber lily it is a sorrow that you see at the same time when you reach adulthood it is a lot different experience right what's our local responsibilities what's our birth look for adulthood mein aate, fir, you know दे गेट अ जॉब दे गेट मैरिड सो ऐसे बहुत अलग 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 स्टेजेस से गुजरते हैं वो उस टाइम पे सो इट इज़ नथिंग बट मल्टी कलर इट इज़ नॉट फिक्स्ड एक कलर पे फिक्स नहीं है कलर इन देंस कलर सिम्बलाइज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैन से डिफरेंट स्टेजेस आर वी गो थ्रू तो यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं कि आप ऐसे कलर के कपड़े अभी क्यों बना रहे तो सेकेंड स्टेज ऑफ द डे विच इज़ ऑलमोस्ट डॉन वी आर एंटरिंग नाइट तो उस टाइम पे आप ऐसे कपड़े क्यों बना रहे हो ये जो इतने पर्पल एंड ग्रीन कलर के जो है तो वो जवाब क्या देते हैं वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन ओके से लाइफ ओके सेकेंड स्टेज इज वॉट इज वीविंग दे आर वीविंग द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन व्हील्स इज नथिंग बट दल दैट दे के साथ जो एक कपड़ा सा ऐसे लंबा सा आता है तो दैट इज वेल नथिंग बट तो वो देर वीविंग दैट

Why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man, dead man's funeral shroud. So, what is she asking? Ki almost, you know, the day has come to a still. Day almost khatam ho gaya hai. Almost midnight aane wala hai. Then tham chuka hai. ऐसे time पे आप लोग यू नो ये white कलर का कपड़ा क्यों बना रहे हो एकदम हल्का सा यू you नो know, एकदम बादल जैसा एकदम मुलायम सा ये कपड़ा आप क्यों बना रहे हो तो वो जवाब देते हैं कि हम जो है श्राउड मतलब वी एम लीविंग अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड श्राउड इज नथिंग बट अ क्लॉथ विच इज यूज विच इज यूज टू डेड पर्सन सो ही सिम्बलाइज वाइट शी इज कम्पेयर द कलर वाइट टू डेथ ओके वाई बिकॉज इट इज कलरैस वाइट इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो देर इज नथिंग टू सिम्बलाइज सो इट इज कलरैस इट इज टिल दैट इज़ वॉट आई लाइफ कम्स टू इन दी एंड कुछ बचता ही नहीं है मतलब इट इज़ नॉट ब्राइट एंड जैजी राइट यून वंस यू अप्रोच डैट यू अप्रोच ओल्ड एज लाइफ बिकम्स वेरी मोनोटोनस राइट सो ऐसे टाइम पर तुम ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ख़त्म हो जाती है आप ऑलमोस्ट मतलब एंड में आ चुके हो एंड देन पीपल डाई वैन दे डाई इट इज़ नॉट अ वेरी जैज़ी अफेयर ओब्वियसली राइट तो अभी वो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो डेड बॉडी में बिछाने के लिए जो कपड़ा हम यूज करते हैं हम वो बना रहे हैं शी हैज कंपेयर द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ टू द थर्ड गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट द एंड ऑफ द डे ओके सो हियर वी हैव मल्टीपल कंपेरिजन इन दिस पोएम वी हैव कंपेयर मॉर्निंग टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड यू हैव कंपेयर द कलर ब्लू टू द स्टेज दैट द स्टेज ऑफ चाइल्ड हुड बेसिकली बिकॉज इट इज फुल ऑफ ब्राइटनेस वो जो है वो एकदम Beautiful phase, it is full of hope, it is full of promises, it is full of happiness and cheer. There is not much sorrow in that stage, right? In the second stage, she has compared that stage to the second phase of the day when you are almost um, crossing sunset. So, she has compared that to the second stage, which is adulthood. Here, and in adulthood, one of the most um, significant milestones a person achieves is career and also marriage. राइट सो हियर शी इज आस्किंग वाई यू वीविंग सच ऐसा गार्मेंट क्यों आप वीव कर रहे हो जो एकदम ऐसा मल्टी कलर्ड है तो यहाँ पे मल्टी कलर क्या सिम्बलाइज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी गो थ्रू उस फेज में राइट कभी गम है कभी खुशी है यू नो कभी खुशी कभी गम एंड एल्स सो ऐसे मतलब जो वो फेज़ से वो लोग गुजरते हैं उनको उन्होंने सिम्बलाइज किया मल्टी कलर से बिकॉज लाइफ इज नॉट वन कलर उस टाइम पे मोनोक्रोम नहीं है यानी तुम सिर्फ एक ही फेस से नहीं गुजरते हो तुम्हारे पास एक ही इमोशन नहीं होता है बच्चों जैसे कि तुम खुश हो या फिर तुम दुखी हो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे तुमको बहुत सारे डिफरेंट 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 इमोशंस आएंगे राइट एंड तब वो बताते हैं कि हम जो है हम क्वीन के लिए जो मैरिज वेल यूज होता है हम उस वो बना रहे हैं थर्ड स्टेज कम्पेयर टू इज़ द एंड ऑफ द डे वेर एवरी थिंग इज स्टिल मतलब एकदम सन्नाटा होता है रात को एकदम ऐसे थमसा जाता है दिन राइट तो अभी उस टाइम पे वो लोग ऐसे कपड़े बना रहे जो एकदम कलर कलर है बीस इट्स व्हाइट एंड जो एकदम मुलायम सा है एकदम क्लाउड जैसे बादल सा है एकदम ऐसा कि कभी भी वैनिश हो सकता है क्लाउड्स डोंट स्टे एट वन प्लेस राइट दे जस्ट गो तो यू नो तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि हम ये जो कपड़ा है वो जो वी आर वीविंग दैट फॉर अ डेड मैं ह्यूमरल श्राउड लाइफ हैज़ कम टू एन एंड एंड वी आर वीविंग फॉर दैट ओके सो शी इज़ कम्पेयर डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ

तो अगर वो सेंटेंस राइमिंग नहीं है बेसिकली ऑल द लाइंस इन द सेंटेंस दे आर नॉट राइमिंग देन इट्स अ फ्री वर्स बेसिकली ये जो पोएम है यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल वेर वी हैव यूज राइमिंग स्कीम वेर द हैज यूज्ड राइमिंग स्कीम तो राइमिंग स्कीम कैसे पहचानते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे अभी हर जो लास्ट का जो वर्ड है वहां पे हम उनको एक अल्फाबेट असाइन करेंगे तो डे है तो हम उनको ए असाइन कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड तो वी कैन असाइन दैट विथ दिस बिकम्स ए अभी रूल क्या है राइमिंग स्कीम का कि अगर आप सेकेंड वर्ड जो है अगर फर्स्ट वर्ड से राइम करता है तो इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ठीक है तो उसको फिर आप सेम अल्फाबेट असाइन करोगे लेकिन अगर वो वर्ड राइम नहीं करता है उसके प्रीवियस वर्ड से तो आप नया अल्फाबेट असाइन करो ठीक है वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे अभी गे और डे जो है वो राइमिंग वर्ड्स हैं राइट तो अभी डे को हमने क्या असाइन किया था ए तो यहाँ पे हम गे को असाइन करेंगे ए

तो so, अगर हमको ये पूछा जाए एग्जाम में कि राइमिंग स्कीम क्या है इस टैंडा का तो so, हम क्या बताएंगे द राइमिंग स्कीम ऑफ इज ए ए बी बी ओके इफ दे आस्क यू द राइमिंग स्कीम ऑफ द एंटायर पोएम देन यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर पोएम एंड देन सी द राइमिंग स्कीम इज एंड यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न यही सेम तरीका जो हमने अभी यूज किया वैसे ही आपको बाकी के स्टैंडाज का भी आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको पता चलेगा राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम क्या है जनरली जो पोएम का जो फर्स्ट स्टैंडा होता है वही होता है बट स्टिल यू नीड टू बी यू नो यू नीड टू चेक सो लेट्स सी द लेट्सा वी वर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट नाइट लेट्स असाइन एट ए अगेन वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट नाइट एंड ब्राइट आर राइमिंग वर्ड्स राइट So here we'll use the word uh, alphabet A again, like the plumes of peacock, purple and green. Okay, see here green does not rhyme with bright. Green bright not rhyming. Okay, so we'll give the alphabet B. We weave the marriage wheels of a queen. Whale of a queen. I'm sorry. So queen green matching rhyming. S. Yes. Let's give it B. We have A if you see, it is matching with the first stanza, right? Let's look at the third stanza. Weaver's weaving solemn and still. Still, again, let's give it the alphabet A. What do you weave in the moonlight chill? Chill, still, rhyming. Yes. Are you saying yes? I hope you're saying yes. So this is A again. White as a feather and white as a cloud. Cloud and chill. Are they matching? So, we will write B. We weave a dead, dead man's funeral shroud. Shroud and cloud rhyming? Yes. And now, we will give it B. So, what is the rhyming scheme of the poem? The rhyming scheme of the poem is A-A-B-B. -B. I hope you all understood. The rhyming scheme is another poetic effect that poets use in order to, uh, you know, in, enhance the quality of the poem, in, in order to make it more poetic, in order to make it more musical. Okay, I hope you all understood this poem. If you all have any questions, please do post it in the comments and we'll send you a reply. Thank you so much.